हेलो अमेजिंग लर्नर्स, वेलकम टू आर थ्योरी मास्टर चैनल। और आज हम करने वाले हैं 22वीं वीडियो। टोटल हमारी बननी है 25 वीडियो। और जैसे कि आप सभी को पता है, हम एक वीडियो में 40 क्वेश्चन बनाते हैं और करते हैं। और ये वही 40 क्वेश्चन होते हैं जो हमारे TGT, PGT और नेट में पूछे गए थे, ठीक है? तो वहीं से कंसिडर किए जाते हैं सारे क्वेश्चन। और आज हम करने वाले 841 से लेकर 880 तक के पूरे 40 क्वेश्चन, ठीक है? और जब हमारी 25 वीडियो बन के तैयार हो जाएगी हर एक 40 क्वेश्चन के साथ, तो हमारे 1000 क्वेश्चन बैंक सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले इस चैनल को। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको सरप्राइज देने वाला हूँ, ठीक है? तो वीडियो को करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 441 है आपके सामने। शेरशाह सूरी का प्रसिद्ध मकबरा कहाँ है? वेयर इज द फेमस टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी? सासाराम में, दिल्ली, यूपी, अजमेर। देखिए, शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ना, वो काफी फेमस है, ठीक है? और ये हमारा सासाराम बिहार के अंदर पड़ता है, ठीक है? बिहार। और बिहार के अंदर ना, इसका जो आप प्लान देखोगे ना, ये अष्ट भुजाकार है, मतलब आठ भुजा निकली हुई है इसके, देखोगे तो स्ट्रक्चर। और साइड में ना इसके क्या है, तालाब सा बना रखा है, पानी पानी का काफी अच्छा बना रखा है, ठीक है? तो क्वेश्चंस में भी काफी ज्यादा देखा गया है ये नेट TGT वाले में। और आगे भी आपको इसके बारे में और डिटेल में बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 842 है। बद्रीनाथ आर्य को कला का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार मिला था? Which art award was received by Badrinath Arya? ये काफी ओल्ड क्वेश्चन है PGT का। तो इसमें ना, जो यूपी का आर्टिस्ट है ये बद्रीनाथ आर्य, जिसे BN आर्य भी कहते हैं, BN आर्य, तो इसको मिला था 2007 में कला रत्न, ठीक है? कला रत्न ललित कला अकादमी द्वारा, ललित कला अकादमी द्वारा, ठीक है? ललित कला अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 843 है। हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? वेयर वर हेनरी मूर रेजिडेंट? तो हेनरी मूर हमारे कहाँ के थे निवासी? इंग्लैंड के, इंग्लैंड। और काफी अच्छे मूर्ति शिल्प थे ये हेनरी मूर हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 844 है। ज्योति भट्ट किस विधा से संबंधित थी? विच जेनर इस ज्योति भट्ट रिलेटेड टू? देखिए, ज्योति भट्ट किस आर्ट फॉर्म में ज्यादा एक्टिव थी, वही पूछा गया है किस विधा से। तो देखा जाए तो प्रिंट मेकिंग से काफी जुड़ी हुई थी। देखिए, यहाँ पे मैं लिंक चेंज कर रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज मत रहिएगा। ज्योति भट्ट एक मेल कैंडिडेट है, ठीक है? बट ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ज्योति, है ना? जो हमेशा यानी सोचते हैं लोग कि ये एक फीमेल का नाम होगा, जबकि ये एक मेल का नाम है, ठीक है? तो ये प्रिंट मेकिंग से जुड़े हुए थे और काफी अच्छे आर्टिस्ट थे। गुजरात में इनका जन्म हुआ था और वहीं से जुड़े हुए थे काफी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 845 है। अंजलि एला मेनन इनमें से किस से संबंधित है? छापा, चित्र, व्यंग, नृत्य? तो जो अंजलि एला मेनन है ना, ये हमारी समकालीन आर्टिस्ट है, जिसे हम कंटेम्परेरी आर्टिस्ट कहते हैं, ठीक है? ये हमारे समकालीन आर्टिस्ट है और चित्रकला से जुड़ी हुई है ये, ठीक है? चित्रकला से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 846 है। भारतवर्ष में प्रकाशित पहला अखबार था? द फर्स्ट न्यूज पेपर पब्लिश इन इंडिया। देखिए, जो भारतवर्ष में सबसे पहला न्यूज पेपर हुआ था, तो वो अंग्रेजों के टाइम में ही हुआ था, ठीक है? तो अखबार पेपर की प्रॉपर बात करी जाए तो एक आयरिश मैन था, आयरिश मैन, जिसका नाम था जेम्स अगस्तस हिकीज। जेम्स अगस्तस अगस्तस हिकी। और इसी ने अपने जो प्रिंटिंग प्रेस था उसका नाम भी हिकी गजट रखा था। फिर बाद में इसको बंगाल गजट रखा बाद में, ठीक है? तो बंगाल गजट, बंगाल गजट कह सकते हो आप। तो ये जो बंगाल गजट था ना, 1780 में इन्होंने एस्टैब्लिश किया था कोलकाता के अंदर। और यही हमारा प्रथम न्यूज़पेपर कह सकते हो आप, फर्स्ट न्यूज़पेपर, है ना, जो कलकत्ता में एक्टिवली वर्क कर रहा था।
तो ये था हमारा न्यूज़पेपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 847 है, बंगाल गजट न्यूज़पेपर के संस्थापक का नाम बताइए, नेम द फाउंडर ऑफ बंगाल गजट। जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, जेम्स जेम्स अगस्तस 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 हिकी, ठीक है, जेम्स अगस्तस हिकी, और हिकी गजट भी कहते हैं इसके जो न्यूज़पेपर था जिसको बंगाल गजट कहते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 848 है, कलकत्ता में पहली छपाई मशीन कब लगाई गई, व्हेन वाज द फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन इंस्टॉल्ड इन कोलकाता। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, 1780 में प्रथम जो प्रिंटिंग मशीन थी वो वहाँ पे लगाई गई, जिससे हमने यानी देखा कि न्यूज़पेपर छापा गया हिकी गजट में, बंगाल गजट में, ठीक है, तो इसी सन में आएगा। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ना सबसे पहले आ चुका था गोवा में 1556 करीब, ठीक है, वो आया था थोड़ा सा धर्म प्रचार के लिए, ईसाई मशीनरी को प्रमोट करने के लिए, और बाइबल वगैरह भी छपी थी, और एक गोवा के कॉलेज वगैरह में इनका सारा स्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। पर एक ऑफिशियल तरीके से देखा जाए कि एक पूरा रीजनल जो न्यूज़पेपर था वो स्टैब्लिश हो रहा है बंगाल में, तो वो 1780 जेम्स अगस्तस हिकी द्वारा बंगाल गजट ही हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 849 है, कांट्रा पत्रिका के संपादक थे, वाज द एडिटर ऑफ कांट्रा मैगजीन। देखिए जो कांट्रा मैगजीन है ना, वो हमारी जे स्वामीनाथन की है, ठीक है। जे स्वामीनाथन के साथ उनके जो एक पार्टनर है, उन्होंने भी दोनों ने साथ मिलकर काम किया था इस पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 850 है, भारत की पहली विज्ञापन एजेंसी खुली थी, इंडिया फर्स्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी ओपन। देखिए जो हमारी बंगाल गजट थी ना, तो बंगाल गजट में वीकली विज्ञापन जाते थे, तो वो वीकली एक एडविटोरियल कह सकते हो आप, है ना, वो होते थे, तो विज्ञापन एजेंसी आप उस समय की मान सकते हो 1780 करीब की, वही विज्ञापन एजेंसी भी कह सकते हो आप उसको, ठीक है, जो अखबारों में आते नहीं थे एडवर्टाइजिंग वगैरह, तो उसको कह सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 851 है, छपाई कला की खोज हुई थी, प्रिंटिंग आर्ट वॉज डिस्कवर्ड बाय। देखिए जो प्रिंटिंग आर्ट जिसे ग्राफिक्स भी कहते हैं, ग्राफिक आर्ट, ये कहाँ पर डिस्कवर हुई, मतलब कला की खोज हुई थी, तो छपाई की सबसे पहले खोज ना हमारे चाइना में ही होती है, चाइना जो चीन है उसके अंदर होती है। पहले तो वो जो लकड़ी के ठप्पे होते हैं वुड ब्लॉक, वो बनाते हैं, फिर उसको मूवेबल वुड ब्लॉक बनाते हैं, फिर और मतलब सिल्क स्क्रीन भी लेके आते हैं, तो प्रिंट मेकिंग की ज़्यादातर वहीं से हो रही है। फिर अगर देखा जाए तो मूवेबल जो मेटल टाइप है वो जर्मनी में हो रहा है, हमारा कौन कर रहा है, वो गुटेनबर्ग कर रहा है 1450 करीब में, ठीक है, तो माना तो ऐसे चीन ही जाएगा, यानी खोज कब हुई और कितनी हुई, तो 200 अराउंड 202 या 20 अराउंड AD चाइना के अंदर ये हो चुका था, जो वुड ब्लॉक थे वो चढ़ चुके थे, ठीक है, उसको प्रिंट करने में यानी लेके आ चुके थे, क्योंकि 105 करीब इन्होंने पेपर को इन्वेंट कर लिया था, और फिर 200 करीब इन्होंने स्टेब्लिश कर लिया था प्रिंटिंग के, यानी हर बार एक चीज़ ना करना पड़े, इसलिए एक प्रॉपर मशीन बनाई या कुछ भी ऐसे बनाया लकड़ी का, जिससे वो एक बार में 10-10 यानी एक चीज़ के प्रिंट निकाल सके, ठीक है, तो काफ़ी यानी इन्होंने किया डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 852 है, बाबर को किस पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है, बाबर इज कंसिडर द फादर ऑफ विच पोएट्री। देखिए जो हमारे बाबर थे उन्होंने, देखिए पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, बाबर एक बहुत यानी बड़ा विद्वान था, ठीक है, वो पोएट्री भी लिखता था, उसने खुद की अपनी जीवन गाथा भी लिखी, ठीक है, जिसे तुझे के बाबरी भी कहते हैं, और यहाँ पे पूछा है कि किस जन्मदाता था पद्य शैली का, तो यहाँ पे मुंबई यानो है, मुंबई यानो इस पद्य शैली का वो जन्मदाता माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 853 है, तुजुक ए बाबरी का लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ तुजुक ए बाबरी। जैसे कि मैंने ऊपर ही बता दिया था कि बाबर इतना विद्वान था कि वो खुद की जीवन गाथा लिख रहा था, और ऐसे ही हमारे जहांगीर ने भी लिखी, ठीक है,
तो तुझु के बाबरी हमारे बाबा ने लिखी। क्वेश्चन नंबर 854 है, कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? कलमकारी इज रिलेटेड टू विच स्टेट? देखिए जो हमारी कलमकारी है वो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। आंध्र प्रदेश में देखिए क्या होता है, कपड़े या यानी बेसिकली कपड़ा, उसके ऊपर हाथ से या जो होते हैं ना वुड ब्लॉक वाले, उससे पेंटिंग की जाती थी, ठीक है, तो उसी को कलमकारी कहते हैं। मतलब कलम द्वारा की गई कलाकारी या कला का कार्य है ना, कलमकारी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 855 है, कला के संदर्भ में कलम का पर्याय है, कला के संबंध में कलम का क्या पर्याय है वो पूछा है। लेखनी, कूची, कोई नहीं या शैली। लेखनी लिखा हुआ, कूची मतलब हमारा ब्रश हो जाता है, शैली मतलब एक स्टाइल, कोई नहीं तो मतलब नोवेल। तो जो शैली है, जो स्टाइल है, वो हमारा कला के संदर्भ में एक कलम का पर्याय है, मतलब उसका पर्यायवाची, उसका सिनोनिम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 856 है, रीनू धूमल प्रख्यात है, रीनू धूमल इज फेमस फॉर। रीनू धूमल देखिए जो फेमस है किसके लिए फेमस है वो पूछा गया है, पेंटिंग के लिए, मूर्तिकला के लिए या स्थापत्य के लिए। तो वो हमारी पेंटिंग के लिए प्रख्यात एक जाना माना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 857 है, विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ स्थित है? वेयर इज विवेकानंद रॉक टेम्पल लोकेटेड? तो देखिए जो ये विवेकानंद का जो रॉक टेम्पल है वो हमारे कन्याकुमारी में स्थित है। कन्याकुमारी आपको पता ही होगा, ये भी एक किनारा है भारत का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 858 है, चट्टानों को काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है? वे इज द्रौपदी रथ मेड बाय रॉक कट। आप सभी को पता होगा जो हम पल्लव वगैरह के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा दक्षिण भारत में, तो वहाँ पे ना बड़े बड़े रथ मंडपों को काट के बनाया गया, तराशा गया है। तो वो कौन सा मंदिर है? तो वो है महाबलीपुरम के मंदिर, महाबलीपुरम के मंदिर है वो। और महाबलीपुरम में आपने देखा होगा कि द्रौपदी रथ, फिर डिसेंट ऑफ गंगा यानी गंगा का अवतरण, मतलब बहुत सारे ऐसे मंदिर रथ भी है, अर्जुन रथ, द्रौपदी, ऐसे ऐसे भीम रथ वगैरह वगैरह बड़े बड़े। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस में मैं आपको आगे वाली वीडियोस में बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 859 है, मूवेबल टाइप का आविष्कार कब हुआ? वेन वॉज द मूवेबल टाइप इन्वेंटेड? देखिए सिंपल सा है, जैसे कि मैंने बताया मूवेबल टाइप का जो इन्वेंशन था वो चाइना में हो चुका था, ठीक है। अगर मेटल मूवेबल टाइप का पूछते हैं तब जर्मनी आएगा हमारा, जर्मनी के कौन आएगा? जर्मनी से आएगा हमारा गुटेनबर्ग, जिन्होंने 1450 में इसका आविष्कार किया था, मेटल मूवेबल टाइप, ठीक है। इन्होंने मूवेबल टाइप किया था जो वुड कट का था, ठीक है। तो चाइना में किया था इन्होंने 1045 से 58 के बीच, ठीक है, इन्वेंट हुआ चाइना के अंदर। और इसको इन्वेंट किया था बी शेंग ने, ठीक है। और जर्मनी में बता दिया हमारे गुटेनबर्ग आएंगे, अगर आएंगे तो गुटेनबर्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 860 है हमारे सामने, प्रिज्म के आविष्कारक कौन थे? हु इज वॉज द इन्वेंटर ऑफ प्रिज्म? देखिए जो प्रिज्म के आविष्कारक है ना, उन्होंने हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटी भी इन्वॉल्व किया था, मतलब उनके सर पे वो जो टमाटर जैसा था ना सेब, वो आकर उनके सर पे गिरा और उन्होंने पहले क्या खोजा, ग्रेविटी है कि सेब नीचे की तरफ ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं चला गया, है ना। तो ऐसे ही आविष्कार किया था हमारा जो न्यूटन है, न्यूटन ने, ठीक है, न्यूटन ने प्रिज्म का भी आविष्कार किया कि कैसे प्रिज्म के अंदर एक सफेद रोशनी, कोई भी प्रकाश आती है और वो कैसे सात रंगों में बट जाती है, जिसको हम विप गयोर के नाम से भी जानते हैं, विप गयोर, है ना। और बहुत अच्छे से बताया था वेवलेंथ के बारे में, बहुत सारी डिटेल के अच्छे से बताया था उस समय ऑब्जर्व करके इन सारी चीजों को हमारे न्यूटन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 861 है हमारे सामने, आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कार करता है, इन्वेंटर ऑफ मॉडर्न लेड पेंसिल? तो ये है हमारे एन जे कांटे, जो एक फ्रांसीसी है, ठीक
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 862 है, चाणक्य किस लिए प्रसिद्ध रहे? व्हाट चाणक्य इज फेमस फॉर? चाणक्य, कौटिल्य और कई सारे नाम हैं इनके, और इन्होंने सबसे ज्यादा जो बढ़िया काम किया था वो किया था अर्थशास्त्र की रचना करके। अर्थशास्त्र की रचना की इन्होंने और बताया कि कैसे प्रधानमंत्री ये वो सारे चीज़ों को डिवाइड किया बताया, और मतलब इन्होंने इनका तो ये है कि जो अशोक के दादा थे है ना, उनको कैसे गद्दी दिलाई, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं, उनको कैसे गद्दी दिलाई, उनको कैसे यानी सिंहासन पर बिठाया, उनको कैसे काबिल बनाया एक नॉर्मल इंसान से लेकर उसको एक राजा तक पहुँचाया। ठीक है, तो चाणक्य, कौटिल्य और कई सारे नामों से जाने जाने वाले ये हमारे चाणक्य, तो इनका तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि रहती है हमारे भारतीय इतिहास के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 863 है, ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ है? वेयर इज द ढाई दिन का झोपड़ा मॉस्को? देखिए, जो ढाई दिन का झोपड़ा मॉस्को है, ये पहले ना एक मंदिर था, जिस मंदिर को तुड़वाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तुड़वाया और इसके ऊपर मतलब जबरदस्ती ढाई दिन के अंदर ही, बोला जाता है ढाई दिन के अंदर ही बनवा दिया था, ढाई दिन के अंदर ही मस्जिद बना दी। ठीक है, तो उस मस्जिद को कहते हैं ढाई दिन का झोपड़ा। ठीक है, ऐसे यानी काम कई सारे हुए। जौनपुर की भी मस्जिद देखोगे तो वो पहले अटाला माता देवी का मंदिर था, बट उसको फिर अटाला मस्जिद कर दिया गया। तो ऐसे ही बड़ा मतलब करा हुआ है, मंदिरों को तोड़कर फिर मस्जिदें बना दी गई। ठीक है, तो ये उस समय चलता था और बड़े शौक से चलता था। तो ये ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो हमारा ये अजमेर के अंदर स्थित है, अजमेर। ठीक है, अजमेर से पास में ही है, अगर आप जाओगे तो अजमेर जो दरगाह है उसके पास ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 864 है, मारियो मिरांडा है एक बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट। ठीक है, अगर आप उसके कार्टून देखोगे तो समझ में आएगा, आपको रिलेट कर पाओगे चीज़ों से, क्योंकि मारियो मिरांडा हमारे गोवा के आर्टिस्ट हैं। ठीक है, गोवा में जन्म हुआ था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 865, राघव कनेरा को किस रूप में जाना जाता है? व्हाट इज राघव कनेरा नोन एज? चित्रकार, मूर्तिकार या स्थापत्य? हमारे राघव कनेरिया चित्रकारी भी करते हैं, बट ज्यादातर वो फेमस है मूर्तिकारी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 866 है, एक्का यादगिरी राव कौन है? एक्का यादगिरी राव एक प्रसिद्ध मूर्तिकार है। मूर्तिकार के साथ साथ ये ना नक्काशी भी किया करते हैं, तो वो उसमें भी ये प्रसिद्धि पा रखे हैं, नक्काशी किया करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 867 है, क्रोमोलिथोग्राफी के लिए कौन प्रसिद्ध है, मतलब फेमस फॉर लिथोग्राफी, वो भी क्रोमोलिथोग्राफी? देखिए, रॉबर्ट रोजनबर्ग, जॉर्ज बैक्स्टर या डेविड ओलिम्बी? तो हमारा राइट आंसर रहेगा जॉर्ज बैक्स्टर। और आपको पता ही होगा जो क्रोमोलिथोग्राफी होता है या लिथोग्राफी, ये पानी और ग्रीस, वाटर और जो ग्रीस होता है उसके रिपेलेंट से चलता है। ग्रीस रिपेलेंट बोले तो यानी जो हमारा सरफेस होता है, जो लाइंस होती है उसको ग्रीन जो ग्रीस होती है वो लगा दी जाती है, फिर वाटर, फिर अरबिक गम उसे अब्जॉर्व करता है, फिर उस पर प्रिंट ले लिया जाता है, जिससे वो सिर्फ हमारे जो चित्र होता है वही प्रिंट होता है पेपर के ऊपर। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है, मैं आगे वाली वीडियो पर इसको अच्छे से समझाने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 868 है, पारसियों का पवित्र ग्रंथ क्या है? व्हाट इज द होली बुक ऑफ ज़ोरोस्ट्रियंस? देखिए, पारसियों का जो पवित्र ग्रंथ है या था, तो उसको कहते हैं जेड अवेस्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 869 है, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफिनी का मूर्तिकार है, यानी कौन था? हु वॉज द स्कल्प्टर ऑफ फेमस आइडल क्राफ्ट अपोलो एंड डेफिनी? देखिए, जो अपोलो एंड डेफिनी थे उसके महान प्रकांड, मतलब बहुत ज्यादा विद्वान जो थे, प्रकांड विद्वान कहेंगे मूर्तिकला के लिए, बर्निनी थे हमारे। ठीक है, बर्निनी बनाया था ये अपोलो एंड डेफिनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलता है। क्वेश्चन नंबर 870 है, जूट माध्यम से मूर्तिकला के प्रयोग कौन करता है?
हु यूज जूट इन स्कल्पचर। देखिए, जो जूट का माध्यम है, जो जूट का यूज करते थे मूर्तिकला के लिए, तो वो है हमारी मृणालिनी मुखर्जी। मृणालिनी मुखर्जी। और आपको ये जान के खुशी होगी कि मृणालिनी मुखर्जी ना विनोद बिहारी मुखर्जी की लड़की है। विनोद बिहारी मुखर्जी, विनोद बिहारी मुखर्जी, बिहारी मुखर्जी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 871 है, कनेरी गुफाएं कहाँ है, वेयर आर कनेरी केव्स। देखिए, कनेरी गुफाएं ना हमारे मुंबई के अंदर पड़ती है, मुंबई, और ये मुंबई के अंदर भी बोरीवली इलाके में पड़ते हैं, बोरीवली, बोरीवली। और ये आपको पता ही होगा बौद्ध धर्म से आधारित है, बौद्ध धर्म पर आधारित है। ठीक है, और अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो विजुअल नेट सीरीज जरूर देखिए, जिसपे मैंने 2012 से लेकर 2020 तक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पीडीएफ लिंक भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो वो वीडियो देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 872 है, वास्तु विद्या और सृजन के देवता है, आर्किटेक्ट एंड क्रिएशन गॉड। जैसा आप सभी को पता होगा, जिसके लिए यानी लोहे की पूजा करते हैं, और वो दिन स्पेशली मनाया जाता है लोहे वगैरह की पूजा करने के लिए, याद कीजिए, वो है हमारे विश्वकर्मा। विश्वकर्मा आपने मनाया होगा, यानी भारतीय जो होते हैं कैलेंडर, उसमें एक स्पेशली छुट्टी भी होती है विश्वकर्मा डे, है ना, स्पेशली मनाया जाता है। तो विश्वकर्मा ही वो एक ऐसे देवता है जो वास्तु, मतलब जो आर्किटेक्चर थे, वास्तु विद्या से जुड़े हुए थे, मतलब उसी का माना जाता है जो विश्वकर्मा है। ठीक है, वो भगवान है इस पर्टिकुलर चीज के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 873 है, पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार है, तो फर्स्ट पेंटर अकॉर्डिंग माइथोलॉजी। देखिए, जो माइथोलॉजी जो पौराणिक रूप से है, प्रथम चित्रकार माना गया है हमारे ब्रह्मा जी को। विष्णु जी को कहा जाता है सृष्टि पालक, शिव जी को कहा जाता है सृष्टि संहार, और हमारे ब्रह्मा जी ही है जिसे चित्रकार या रचनाकार कहा जाता है, सृष्टि के रचनाकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 874 है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे, हु वॉज द फाउंडर एंड द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। देखिए, आपने अगर जैन धर्म के बारे में पढ़ा होगा तो इसके टोटल 24 तीर्थंकर होते हैं, जो फर्स्ट वाले तीर्थंकर थे उनका नाम पूछा है। देखिए, फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का तो आपको जरूर जरूर आना चाहिए। जो लास्ट वाला 24वां, उसका नाम है महावीर, और इनके प्रतीक और रंगों के बारे में भी पूछा जाता है। और जो फर्स्ट वाले हैं जिनका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, वो है ऋषभ देव। ऋषभ देव जो फाउंडर भी थे ये जैनिज्म के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 875 है, निमतनामा नामक पांडुलिपि किस विषय से संबंधित है। निमतनामा मैन्युस्क्रिप्ट रिलेटेड टू प्रेम से, युद्ध से, पालक पाक कला संबंधी वस्तुओं से, या दरबारी दृश्य से। देखिए, जो नियमतनामा है ना हमारा, वो सुल्तान जो मालवा के सुल्तान थे उसके जो समय काल था उसके दौरान लिखी गई, और ये पाक कला संबंधी वस्तुओं पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 876 है, कलाकार कोई विशेष प्रकार का मनुष्य नहीं होता, बल्कि हर मनुष्य एक विशेष प्रकार का कलाकार होता है। तो ये प्यारी सी लाइन किस विद्वान की है, तो ये है हमारे एके स्वामी की, आनंद कुमार स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 877 है, प्रसिद्ध कलाकृति चक्का फेंकने वाले का कलाकार कौन है, डिस्को बॉलस आर्टिस्ट। डिस्को बॉलस आर्टिस्ट का मतलब बहुत सारा मैंने देखा नेट में, तो बहुत ज्यादा पूछा गया था ये। ठीक है, इवन मतलब देखा जाए तो दो दो तीन तीन साल में ये रिपीट हुआ है, डिस्को बॉलस वाला। ठीक है, जिसे चक्का फेंकने वाले कहते हैं। तो इसके जो कलाकार है वो है मायरन, मायरन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 878 है, वॉल्ट डिज्नी के जनक है, वॉल्ट डिज्नी इज फादर ऑफ। देखिए, वॉल्ट डिज्नी किसके पिता है, तो ये कहा जा रहा है, तो एनिमेशन के पिता है वो, एनिमेशन, एनिमेशन वही तो लेके आए थे वॉल्ट डिज्नी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 879 है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन किस शहर में स्थित है, विच सिटी इज द नेशनल अकेडमी
रविंद्र भवन लोकेटेड। देखिए, अगर आपने मंडी हाउस की तरफ गए हो दिल्ली के अंदर, तो आपको आपने ये देखा होगा रविंद्र भवन कहाँ पर है। तो ये नई दिल्ली के अंदर है, न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 880 है, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? व्हेन वॉज ललित कला अकादमी एस्टैब्लिश? तो ये हुई थी 1954 करीब। ठीक है, तो ये थे हमारे पूरे 40 क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले इस चैनल को। और ऐसी वीडियो जो नॉलेजेबल है जरूर फैलाए हर जगह, जिससे आपके साथ साथ कईयों को इसका बेनिफिट मिल सके। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं एक सरप्राइज देने वाला हूँ, तो 28 फरवरी से मैं नया बैच स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, और ये टाइमिंग रहने वाला है सुबह 8 से 10 बजे के बीच में। ठीक है, और उसमें डीएसएसबी नेट को मैं सेंटर में लेके चलूंगा। अगर आप कोचिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे को इस नंबर पर मैसेज करें। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हो। ठीक है, जिससे मैं आपको ऐड कर लूँगा व्हाट्सएप ग्रुप में, और जो भी प्रोसेस रहेगा मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। और 28 फरवरी से पहले यानी आपकी एक कोचिंग क्लास भी होगी, जिसमें थोड़ा सा जो सिनेरियो है वो बताया जाएगा सिलेबस से रिलेटेड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।